दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल वापस ले लिया है। कर्मचारी यूनियन नेता मुकेश वैद ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यूनियन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। ये नोडल ऑफिसर कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर कोर्ट के समक्ष रखेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद यूनियन की तरफ से हड़ताल वापस ले लिया गया है। मुकेश वैद ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल पर जाना नहीं चाहते, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो हड़ताल के लिए मजबूर हैं। वर्षों से उन्हें एरियर नहीं मिला, वक्त पर उन्हें वेतन नहीं मिलता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, करुणामूलक आधार पर भी कर्मचारी पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं, वर्दी, कैशलेस कार्ड सहित कई मांगे हैं जिनको लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। हड़ताल समाप्त हो गई है। आज हमारे दो केस हाई कोर्ट में लग रहे थे। एक केस हमारे यूनियनों ने डाला था, सभी ने मिल करके, और एक को केस एमसीडी ने हमारे ऊपर डाला था कि भाई इन्होंने अनऑथराइज हड़ताल की हुई है। तो आज दोनों केस में हम थे। तो जो हमने केस डाला था उसमें हमने कोर्ट को गुहार किया कि जी हमारी जो समस्याएं हैं, आए दिन हमें हड़ताल धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं, हम इसके इच्छुक नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि हम दिल्ली की जनता को परेशान करें। तो हमने जब कोर्ट को ये सब बात कराई तो उन्होंने भी बड़ा सराहा कि भाई आपका ये बहुत अच्छी पिटीशन है इसलिए, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए एक बोर्ड बना दिया गया है, और उस बोर्ड में डिप्टी लेबर कमिश्नर को उसका हेड बनाया है, और वो चार दिन के अंदर अंदर 9 तारीख को दोबारा हाई कोर्ट में जा करके जो भी हमारी डिमांड्स हैं उन्हें पूरी करके हाई कोर्ट को बताएंगे, और फिर उसके बाद 25 फरवरी को फिर दूसरी हमारी हेयरिंग के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन 9 तारीख को ये सब जवाब देंगे। जितने भी हमारे कर्मचारी पक्के करने हैं, बोनस है, डेथ केस के लोग हैं, मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को लाभांश मिलना है, जितनी भी समस्याएं हैं अब उन सभी समस्याओं का समाधान।